हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह, और वही फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, लेक्चर नंबर 4। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर खटाक से हम लोग मूव कर जाएंगे, क्या बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत में फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब जैसे कि एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, राइट टू एक्यूज्ड। तो देखो, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट पर्सन एक्यूज ऑफ वेरियस ऑफेंसेस वुड ऑल्सो गेट सफिशियंट प्रोटेक्शन। अगर मान लो कि तुम एक्यूज हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें जो है प्रोटेक्शन नहीं देगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर कोई बंदा एक्यूज भी है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलता है। उसकी बात करते हैं। वी ऑफन टेंड, अब हमारा क्या बिलीव होता है कि अगर किसी भी बंदे के ऊपर कोई चार्ज लगाया गया है, इसका मतलब वो दोषी है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कि अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा दिया गया, इट डजेंट मीन्स कि वो जो है उस ऑफेंस में वो गिल्टी पाया गया है। ठीक है, हाँ, हाउएवर नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑन ऑफेंस। जब तक जो है कोर्ट नहीं बताएगा कि नहीं ये बंदा गिल्टी है, तब तक आप नहीं मानेंगे। ठीक है ना, कि इस ऑफेंस में ये बंदा दोषी है, गिल्टी है, तब आपके मतलब आपके दरवाजे के सामने किसी बंदे को उठा लिया गया चार्ज में, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो क्या बोलते हैं गिल्टी है। कोर्ट विल डिसाइड कि वो गिल्टी है कि नहीं है उस ऑफेंस में। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट अ पर्सन एक्यूज ऑफ एनी क्राइम शुड गेट एडुकेट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कि अगर मान लो कि किसी भी बंदे को एक्यूज किया गया है किसी क्राइम में, तो जो एक्यूज बंदा है उसको भी इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो बंदा अपने आप को, चाहे वो हरसेल्फ हो चाहे हिमसेल्फ हो, वो अपने आप को डिफेंड करे। एडुकेट अपॉर्चुनिटी, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडुकेट अपॉर्चुनिटी का मतलब पर्याप्त सफिशियंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भैया तुम अपना प्रूफ करो कि हम गलत हैं कि नहीं गलत हैं। ठीक है, अच्छा, To ensure a fair trial in court, the Constitution has provided 3 rights. कि भाई जो कोर्ट है उसके अंदर उस एक्यूज बंदे का जो ट्रायल हो वो फेयर हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको 3 अधिकार दिए है। नो पर्सन वुड बी पनिशेबल फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि एक बंदे को एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार पनिश्ड नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखना। हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इसके लिए पर्टिकुलरली पॉलिटी में कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है। बट हियर फर्स्ट यू प्रिपेयर योर बेस। अच्छा, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी सेक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। ठीक है, कि किसी भी बंदे को आप बैक डेट में बना के, उसका FIR बैक डेट में बना के आपने उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं ये बंदा क्या है, इलीगल है, ऐसा भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब ट्रायल चल रहा है, पुलिस वाला बैठा लिया आपको, मार रहा है, मारने के बाद आपसे बोला कि तुम बोलो कि तुमने ही ये अपराध किया, लिखो, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 उसको अलग से अधिकार मिलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए, या हमारे देश की बात करो, तो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल आर अंडर प्रिविलेज्ड डिप्राइव्ड, दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाई फेलो ह्यूमन बींग। मतलब उनको कोई उनको अंडर प्रिविलेज, मतलब हमारे आप में से ही कोई बंदा उनको अंडर प्रिविलेज कर दे रहा है या उनके अधिकार को दबा दे रहा है। समझ में आया कि नहीं है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आर कंट्री हैज़ बीन बेगर और फोर्स लेबर। अब आपको ही पता है इसके बारे में, फोर्स लेबर के जबरदस्ती किसी से काम कराना विदाउट पेमेंट, उसको पैसा भी ना देना और उससे जबरदस्ती काम कराना। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग एंड यूजिंग देम एज ए स्लेव्स। कि आप आदमी को खरीद भी रहे हैं, बेच रहे हैं और फिर बाद में उसको गुलाम बना रहे हैं। तो बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इन सारी की बात करें, बेगर और फोर्स लेबर की बात करें, या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करें, जिसको आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, ये सारा चीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिटेड है। देखो, मैंने हर एक वर्ड पर अलग कलर कर दिया है, इसलिए अलग कलर किया है ताकि आप उस वर्ड को फोकस करो उसी तरीके से जैसे राहत इंदौरी जब कोई शेर कहते थे और सब शेर कहते थे, तो शेर कहते कहते वो जब वर्ड होता था ना कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं, तो बाप वर्ड पे वो कितना फोकस करते थे। तो मैं हमेशा से आपसे ये बात बोलता आया हूँ, रीड बिटवीन द लाइंस, हमेशा याद रखो। फोर्स लेबर वर इम्पोज बाई लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट।
कि अगर मैं बहुत पुराने समय की बात करूँ तो जो मनी लैंडर्स होते थे या जो लैंडलॉर्ड होते थे या बहुत जो पैसे वाले होते थे वो फोर्स लेबर का काम कराते थे, ठीक है ना, बिना पेमेंट के, जिसको आप एक तरीके से बाउंडेड लेबर कहते हैं, आज के जमाने में उसको आप बाउंडेड लेबर कहते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बाउंडेड लेबर आज जो है वो ख़त्म हो गया, आज भी प्रेवेलिंग है अपनी कंट्री में, स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करते हैं या जो खेतों में काम करते हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फोर्स लेबर का काम कराया जाता है बिना किसी पेमेंट के। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस इंडिया में है, अब आप उसकी केस स्टडी पढ़िए जाके जब भी पेपर और तमाम चीज़ों में आता है। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर अ क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल, और अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो क्राइम है और पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस, कि माइंस में फैक्ट्रीज में 14 साल से कम के बच्चे को आप काम नहीं करा सकते हैं, इसको चाइल्ड लेबर माना जाता है, ये इलीगल है। और दूसरी तरफ उसको 14 साल तक जो है उसको पढ़ने का अधिकार भी दिया गया है, आपको पता है उसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं। अच्छा, दिस राइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बीन मोर मीनिंगफुल, जिसको हम राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के अंदर अच्छे से हम पढ़ते हैं तो वो जो हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है। अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी वन एन्जॉय द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, हिज हर चॉइस, अपने चॉइस से आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। दिस फ्रीडम इज कंसीडर्ड एज अ हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। सपोज दैट आप एक सुनार के पास जाते हैं, आप उससे एक क्या बोलते हैं अंगूठी खरीदते हैं, रिंग खरीदते हैं, तो आप उसमें हॉल मार्क देखते हैं कि ISI मार्क लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। उसी तरीके से ये जो है कि इस देश में कोई भी बंदा हिज हो चाहे हर हो अपनी चॉइस से फ्रीडम अपने रिलीजन को इंजॉय कर सकता है, और ये डेमोक्रेसी का एक हॉलमार्क है। हिस्टोरिकली देर वर रूलर्स एंड एम्परर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हु डिड नॉट अलाउ रेसिडेंट ऑफ देयर कंट्रीज टू एंजॉय द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि पहले के टाइम पे एम्परर्स हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, वो अपने जो रेसिडेंट थे, जो उनके निवासी थे, जो उनके उनके साम्राज्य उनके राज्य में रहते थे, उनको जो वो है अलाउ नहीं करते थे कि आप अपने मन से या अपने चॉइस से रिलीजन को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात अलग होती है कि पर्सन फॉलोइंग अ रिलीजन, अब जैसे जो रूलर्स होता था और जो क्या बोलते हैं एम्परर होता था वो अपने हिसाब से उनको कहता था कि यही रिलीजन आपको मानना है, और आप अगर नहीं मानते थे तो उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट भी कर देता कि नहीं इसी रिलीजन को तुमको मानना है। देयरफॉर अब बाद में जब हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बंद हो गई। इसीलिए ये लिखा हुआ है कि देयरफॉर डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन्स चॉइस एज वन ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि आप अपने चॉइस से जो मन करे वो रिलीजन को आप एंजॉय करिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इन इंडिया, अब इंडिया जैसी कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तमाम तरीके के रिलीजन की प्रैक्टिस होती है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं नमाज पढ़ूं तो मैं पढ़ सकता हूं बैठ के, यहाँ मेरा मन कर रहा है कि मैं शिव तांडव पढ़ूं तो मैं शिव तांडव पढ़ सकता हूं, ये मेरा कंसाइंस है, मेरा कंसाइंस क्या कहता है रिलीजन को लेके मैं उसको एंजॉय कर सकता हूं। अच्छा, दिस मींस दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन। अब यहीं से बात आती है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ सब्जेक्ट टू अ सर्टन लिमिटेशन, ठीक है। अब आपको उसको प्रोफेस करना है, उसको फॉलो करना है, उसको प्रोपोगेट करना है, ये है आपका हिज हर चॉइस, ये है आपका अपना कंसाइंस, ठीक है, किस चीज़ को लेके, रिलीजन को लेके, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई लिमिटेशन है, अब वो लिमिटेशन क्या है उसको ध्यान से समझिए। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर मॉरेलिटी एंड हेल्थ, कि पब्लिक ऑर्डर मॉरेलिटी और हेल्थ के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है वो फ्रीडम के मतलब रिलीजन के फ्रीडम के प्रैक्टिस पर किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन क्या कर सकती है, लगा सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट, मतलब ये भी है कि फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो भी अनलिमिटेड नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल ओविल्स, कि जैसे अब जैसे मान लो कि अगर समाज में कुछ तरीके की किसी भी तरीके की अगर सोशल इविल्स है
तो वहां पर वो क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट है उसको रूटिंग आउट करने के लिए, उसको जड़ से खत्म करने के लिए उस रिलीजियस मैटर में वो इंटरवीन कर सकती है। जैसा कि पास्ट में सती प्रथा था, बाइगेमी था, एक बंदा है 10 औरतें रखा हुआ है, या ह्यूमन सेक्रीफाई, ठीक है ना, या सती प्रथा जिसको कहते थे, जो पुराने टाइम में थी। तो इस ऐसे सोशल इविल के टाइम में, समझ में आया कि नहीं है, जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। द लिमिटेशन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑलवेज प्रोड्यूस टेंशन बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ वेरियस रिलीजन एंड द गवर्नमेंट। देखो, अब मान लो कि अगर गवर्नमेंट है, अगर वो किसी भी रिलीजन, ठीक है ना, के प्रैक्टिस में अगर मान लो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो जाहिर सी बात है जो उसके फॉलोअर्स हैं वो गवर्नमेंट की निंदा, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। व्हेन द गवर्नमेंट सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट सम एक्टिविटी ऑफ एनी रिलीजियस ग्रुप, पीपल ऑफ दैट रिलीजन फील दैट दिस इज इंटरफेरेंस इन दिस इन दियर रिलीजन। भाई जाहिर सी बात है, अगर सरकार ने ऐसा कोई लॉ बनाया, ऐसा कोई ऑर्डर दिया जिससे आपको जो जो रिलीजियस फॉलोअर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई वो हमारे, क्योंकि अब ये दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करेगा, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लगा है टेंशन। हमेशा ये बात याद रखना कि टेंशन तो होगी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ पे, अब जैसे मान लो ट्रिपल तलाक को ही बैन कर दिया, तो टेंशन शुरू हो गई कि नहीं उस रिलीजियस ग्रुप में, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो भाई उस तरीके की सोशल इविल्स को हम खत्म कैसे करेंगे। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। तो दोनों पहलू की तरफ आपको क्या करना है, सोचना है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी फॉर येट अनदर रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड द राइट टू प्रोवोगेट वंस रिलीजन। कि भाई हमेशा याद है, हमेशा आपको बात याद रखना है कि जब कभी भी गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन अगर लगाती है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरफ देखा जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड द राइट टू प्रोवोकेट वन रिलीजन, दिस इंक्लूड्स परस्यूडिंग पीपल टू कन्वर्ट फ्रॉम। देखो, आप अपने मन से, अब पूरे लाइन का मतलब समझ लो, आप अपने मन से, ठीक है, आप अपने मन से जो मन करे वो धर्म बदल, जो मन करे। मेरा मन कर रहा है आप ए आर रहमान हिंदू से मुसलमान बन गए, बन जाए, अपने मन से बन गए, लेकिन जबरदस्ती नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये एक तरीके का इंड्यूसमेंट होगा, समझ में आया कि आप जबरदस्ती ऐसा काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है, ये बात याद रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउड फोर्सेबल कन्वर्जन, फोर्सेबल कन्वर्जन को अलाउ नहीं करती है। इट ओनली गिव्स अप द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर टू इट। कि आप अपने धर्म के इंफॉर्मेशन को फैलाइए, जितना मन करता उतना फैलाइए, कोई उसमें नहीं है। लेकिन फैलाना भी है तो उसमें भी याद रखना है, उसमें भी लिमिटेशन है। उसमें भी अगर आप किसी भी तरीके का फोर्सफुली कुछ ऐसा काम अंदर अंदर कर रहे हैं, तो उसको ऊपर भी गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, ये बात याद रखना। आप अपने मन से अपने रिलीजन की तरफ किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको जो भी चाहिए, आपको जिस तरीके का आपको एडवर्टीजमेंट करना है आप करिए। अच्छा, बीइंग अ कंट्री विच इज़ अ होम टू सेवरल रिलीजियस, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन। चूँकि आप भारत में रहते हैं तो भारत तो जानते ही हैं, जहाँ आप दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म खोजिए जो कहीं नहीं मिले, वो भारत में आ जाइए, आपको मिल जाएगा। तो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई धर्म नहीं है, याद रखना, और गवर्नमेंट का भी कोई धर्म नहीं है। वी डू नॉट हैव टू बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन ऑर्डर टू बींग अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और जज और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल। आपको कोई सरकारी नौकरी करनी है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना, आपको प्रेसिडेंट बनना, आपको जज बनना, इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन डिफाइन नहीं किया गया। और शायद इसीलिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी ये नहीं रहता है कि नहीं ये मुसलमान है तो ये नहीं भर सकता, ये हिंदू है तो ये नहीं भर सकता, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है, अंडर द राइट टू इक्वेलिटी देयर इज अ गारंटी दैट द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट। कि अगर एम्प्लॉयमेंट दे रही है गवर्नमेंट तो उसमें किसी भी रिलीजन को वो बेसिस नहीं बनाती है ना। द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन, नॉर विल दे फेवर पर्सन टू एनी रिलीजन। कि अगर मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपके देश में है और उस इंस्टीट्यूशन को स्टेट चला रहा है, मतलब उसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो वो किसी भी तरीके का ऐसा प्रचार नहीं कर सकता है जो रिलीजियस हो, ये बात याद रखना।
अच्छा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू सस्टेन एंड नेचर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, कि हमारा देश का जो सेक्युलरिज्म का मतलब मैंने प्रीएम्बल में पढ़ाया है कि भाई इस देश का कोई धर्म नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है साफ साफ शब्दों में, इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन, कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है। तो हम ये सारा चीज़ ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को नेचर कर सकें, समझ में आया। तो ऐसे आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब देखो इतना बेस जब प्रिपेयर हो जाएगा तो वो जो है ना एम लक्ष्मीकांत ऐसे अपने आप बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय।